हेलो एवरीबॉडी, आइए मैं ज़रख्शाह ज़ैब और आप देख रहे हैं ज़रख क्रिएशन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप एक न्यू डिज़ाइन के साथ ग्लास फ्रंट किस तरह से बना सकते हैं। वीडियो यार एंड तक जरूर वॉच किए करें और लाइक कमेंट जरूर किए करें। जो मेरे चैनल पर न्यू अपनी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो बाकी आपसे यार यही कहना है कि सपोर्ट किया करें प्लीज़, और ग्लास फ्रंट के अलावा भी जो फेसबुक कवर फोटो एडिटिंग लोगों वगैरह की मैं वीडियो अपलोड करूँ तो वो भी देखा करें, ठीक है। एडिटिंग अगर आप सीख रहे हैं, अगर दिल से आपका मतलब ये तमन्ना है कि मैं एडिटिंग सीख जाऊँ, तो फिर आप मतलब वॉइस ओवर में भी आपको समझाता हूँ, सारा तरीका बताता हूँ कैसे करना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ठीक है। तो बाकी आप अदर चैनल देख सकते हैं, वहाँ पर ट्यून लगी होती है, वो उस तरह दिमाग में जल्दी नहीं है। मैं यार वॉइस ओवर में समझाता हूँ, ठीक स्टेप समझाता हूँ, आप यार सपोर्ट की करें, लाइक ज़रूर कर दिया करें और कॉमेंट्स में अपनी कीमती राय का भी इजहार कर दिया करें। तो चलिए आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने करना कि आपने पिक्सलैब को ओपन करना है, ठीक है, जो कि पिक्सलैब मैंने ओपन कर लिया है। अब आपने यहाँ पे पिक ऐड करनी, जो कि मैंने ऑलरेडी ऐड कर ली है। अब आपने यहाँ पे नेम टाइप करना है, ठीक है, कोई भी आप नेम टाइप कर सकते हैं, जैसे कि मैं नेम लिखूँगा उज़्मा। अब आपने आना है ए बी वाले ऑप्शन में और यहाँ पर आपने फ़ॉन्ट्स चूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर यू पे मैं ये वाला फ़ॉन्ट्स लगा दूँगा, बाकी जो इसका नेम है ना इस पर मैं ये वाला फ़ॉन्ट्स लगा दूँगा, ठीक है। और ये भी आपने बाकी जेड एम ए ये कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है। यहाँ पर इसकी पैडिंग कर लेनी है, लेफ़्ट पैडिंग राइट पैडिंग। अब आपने साइज़ में आना है, साइज़ इसका इंक्रीज़ कर लेना है, ठीक है। साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद आपने यहाँ पर इसको 180 पे कर लेना है। और अब आपने करना क्या, आपने इसको यहाँ पे रखना है। अब आपने इसकी कॉपी करनी है, ठीक। कॉपी करने के बाद आपने स्माल आई लिखना है। आई लिखने के बाद आपने फिर ए बी वाले ऑप्शन में आना और यहाँ पर एक और फॉन्ट्स लगा देना है, ये बीज़ वगैरह बनी हुई हैं, आपने इसको यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। जितनी आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, ठीक है। मैं इनको यहाँ पर एडजस्टमेंट कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं लेकर आ जाऊँगा, इसको सॉरी, ठीक है, यहाँ पर बीज लग गई। अब फिर आप अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से जैसे भी आप एडजस्टमेंट करना चाहें आप कर सकते हैं। और यहाँ पर आपने एच लिखना है, एच लिखने के बाद आपने कैपिटल स्मॉल एबीसी में एच लिखना, तब ये डिज़ाइन बनेगा, ठीक है। इसको यहाँ पर लगा देना है। अब आपने करना क्या, आपने इसका बैकग्राउंड कर देना है ट्रांसपेरेंट। अब आपने इसको अल्ट्रा में सेव करना है, ठीक है, अल्ट्रा सेव टू गैलरी, और इसको सेव कर देना है। अब आपने आना सिंपली पीएस टच में। पीएस टच में आने के बाद आपने करना क्या, अगर आपको पीएस टच डाउनलोड करने में मुश्किल पेश आ रही है, आप का वर्क नहीं कर रहा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का भी और व्हाट्सएप ग्रुप का भी, ठीक है। अब बेहतर यह है कि व्हाट्सएप ग्रुप पर करें, मैं आपको दे दूंगा। अगर वहाँ पर आप नहीं कर सकते, आप कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पर करें, मैं आपको पी एस सी सी पी वर्जन जो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ वो मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। और यहाँ पर आपने सबसे पहले करना है कि आपने यहाँ पर पिक्चर वाला ऑप्शन, जैसे पिक्स आर्ट का न्यू अपडेट है तो पिक्स आर्ट की जगह वो पिक्चर का फोल्डर बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पिक्चर वाले फ़ोल्डर में अपनी पहले पिक लूँगा, पिक लेने के बाद ये वाले, ठीक है, ब्लू टाइप की ये पिक बहुत मुझे यार पसंद आई थी, किसी भाई से मैंने ये ली है, ठीक है, कहीं फेसबुक के फेसबुक ग्रुप में, ठीक है। वहाँ पर उसको मैंने कहा कि भाई ये मुझे पिक मुझे दे दो, तो उसने मुझे दे दिए, शुक्रिया उस भाई का भी। तो यहाँ पर ना नेम ऐड कर लिए। अब आपने करना कि आपने इसकी दो डुप्लीकेट कॉपी करनी है, ठीक है। डुप्लीकेट कॉपी करने के बाद आपने फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करना है, एफ़ एक्स में जाना है। एफ़ एक्स में जाने के बाद आपने लाइट में आना है, ठीक है, लाइट में, और सर्कल को पकड़ कर ऊपर ले जाना है, इसको फुल ब्लैक कर देना है। ये लाइन सी लंबी यार लग गई है गलती से, तो आपने यहाँ पर आना है, इसको सिंपली स्क्रीन कर देना है, ठीक है। अब आपने सेकंड लेयर पर आना है, सेकंड लेयर पर आने के बाद एफ एक्स में जाना है और शेडो में आना है, ठीक है। शेडो में आने के बाद आपने करना क्या है, 135 पे इसका एंगल रखना है, ब्लर 5 और जो डिस्टेंस है ये 8 कर देनी है, ओके कर देना है। और अब आपने इसका ब्लेंड मोड मल्टीप्लाई कर देना है। अब आपने आना थर्ड वाली लेयर पर, एफ एक्स में जाना है, एफ एक्स में जाने के बाद आपने आना है बेवल में, ठीक है। बेवल में आ गए, कलर कर लेना है ब्लैक, और जो ब्लर है ना ये 20 पे कर देना है, और जो डिस्टेंस है ना ये आपने कर लेनी 30 पे, ब्लर आप ज़्यादा करें, ब्लर जो है ना ये 29.9 आपने करना है, ओके कर देना है। अब आपने करना है कि आपने आना है सेकंड लेयर पे,
और यहाँ पर आपने एक बोर्ड सेलेक्ट कर लेना, ये मैजिक वैंड, ये वाला ना मैजिक वैन टूल, ये सेलेक्ट करना है और कंटिन्यूस के टेक ऑन कर देना, ट्रॉली लेंस 30 पर करके इसको जूम कर लेना है और यहाँ पर जिस जगह पर आप क्लिक करेंगे उस जगह पर ये जगह सेलेक्ट कर देगा। आपने इधर आना है यहाँ पे, फिर स्ट्रोक में आना है और यहाँ पर आपने कोई भी कलर रख लेना है, ठीक है। जैसा कि मैं मिसाल के तौर पर करूँगा ये वाला, ठीक है। अब आपने करना क्या है, ठीक है, कुछ ये वाला बन जाएगा और बाकी आपने करना क्या है, आपने इस पर सेलेक्ट करना है, फिर स्ट्रोक में आना है, यहाँ पर रेड करना है, लेकिन आपने इसका डिज़ाइन चेंज करना है। आपने इस तरह का, मैंने पहले भी फ्रेंड ऑलरेडी ग्लास वन बनाया, लेकिन फिर रिक्वेस्ट डिमांडें आ रही हैं, मैंने फिर मुझे मजबूरी की तरह बनाना पड़ा है। आपने आना है नोएज़ में, तो ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा। फिर आपने, ठीक है, जितने भी आप अमाउंट रखना चाहें आप रख सकते हैं, ठीक है, इस टाइप का आपने बनाना है। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में करूँगा ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने कलर कर लिया है, ठीक है। अब आप ना इसमें ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है, मैंने थोड़ा सा आपको करके दिखा दिया है। अब आपने आना है यहाँ पर ग्लो में, ठीक है, फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करना है ताकि वीडियो यार लंबी हो जाती है, इसलिए मैं मतलब है ना यहाँ पर ही आपको करके दिखाऊँगा। अब आपने इसकी कॉपी कर लेनी है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने ना नीचे आ जाना, नीचे वाली लेयर का आपने ब्लेंड मोड ओवरले कर देना है, ठीक है, और इसकी कॉपी भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और कलर वाले की भी एक कॉपी आपने कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड आपका ग्लास वन रेडी हो गया। आपने इस डन पे क्लिक करना है। तो कुछ भाई ये भी कॉमर्स में करते हैं और बाकी भी सोशल जो है ना नेटवर्क पर कहते हैं कि भाई सेव का कोई नहीं तरीका हमें आता ना कोई पता है, वो वीडियो बनाओ। तो यार हर वीडियो में मैं ये बताता हूँ कैसे सेव करना है, पहले पेक पे क्लिक करना है, फिर ओके कर देना है, ठीक है, तो ये सेव हो जाएगा। तो फ्रेंड आज का हमारा बस यही था ट्यूटोरियल। वीडियो अगर पसंद है लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।